भाई लोग, सिनेमा की एक सबसे खास क्वालिटी ये है कि ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। बड़े बड़े सिनेमा के महापुरुषों का कहना है कि सिनेमा हर 10 साल में चेंज होता है, एंड राइटफुली सो। अपने इंडियन सिनेमा को ही देख लो, जहां एक टाइम पर किसी मूवी का 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना किसी बेंचमार्क से कम नहीं समझा जाता था, तो वहीं आज 1000 करोड़ जैसा ह्यूमंगस नंबर नॉर्म सा बनता जा रहा है। और हर थोड़े वक्त के बाद कोई ना कोई ऐसा डायरेक्टर या ऐसी मूवी आती है जो सिनेमा और व्यूवर्स के नजरिए को ही बदल कर रख देती है। बाहुबली, KGF, पुष्पा, RRR और सम ऑफ द मूवीज जिन्होंने इंडियन सिनेमा को ये बताया कि लिमिटेशन अपने क्राफ्ट में नहीं बल्कि सोच में है। जितना ऊंचा सोचोगे उतना ऊंचा जाओगे। और आज के वीडियो में हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, कल की 2898 AD। ये एक ऐसी मूवी है जिसके लिए मैं इसकी अनाउंसमेंट से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और क्यों ना हूँ, दिस मूवी गॉट एवरी बिट ऑफ पोटेंशियल टू चेंज द इंडियन सिनेमा फॉर एवर। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन व्हाई कल की 2898 AD कैन चेंज द इंडियन सिनेमा फॉर एवर। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब किसी भी बारे में बात करने से पहले हम इस मूवी के कैप्टन ऑफ द शिप यानी कि नाग अश्विन के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज राइट नाउ दिस मैन इज सिटिंग ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब इफ थिंग्स गो रॉन्ग। 600 करोड़ का बजट, अ न्यू फ्रेंचाइज इन द मेकिंग, देयर इज अ लॉट दैट कैन गो रॉन्ग। बट स्टिल अभी तक जितना प्रमोशनल मटीरियल मैंने इस मूवी का देखा है, लेट इट बी द ग्लिम्स ऑफ अश्वत्थामा और द रिवील ऑफ बुज्जी, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। एंड विद एवरी अपकमिंग प्रमोशनल मटीरियल, माई ट्रस्ट इन नाग अश्विन इज इंक्रीज डे बाई डे। एंड कल ही आया भैरवा एंड बुज्जी, विच इज एक्चुअली अ एनिमेटेड प्रीलूड टू कल की 2898 AD, सेट 2 years बिफोर द मेन टाइमलाइन ऑफ द फिल्म। वो देखकर आपको अंदाजा होता है कि कितना टाइम और कितनी मेहनत लगाई गई है अपने प्रोडक्ट में, ताकि ऑडियंस को एक कंप्लीट रेफरेंस और एक्सपीरियंस मिल सके और वो कहीं से भी लेफ्ट ऑफ ना फील करें। डिस्टोपियन सेटिंग की मूवीज में सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्ल्ड बिल्डिंग, और ये प्रीलूड देखने के बाद मैं वहां नाग अश्विन को पूरे मार्क्स देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से नाग अश्विन ने उस डिस्टोपियन वर्ल्ड में हायर क्लास, लोअर क्लास और उस पूरी दुनिया को दिखाया है, वो एनिमेशन में इतना अच्छा लग रहा है, आई विश कि ये बड़े पर्दे पर भी उतना ही अच्छा लगे। गणपत, टेक नोट्स, डिस्टोपियन के नाम पे सिर्फ मुंह में मोमोज नहीं डालने होते। टाइगर, टेबल पे गुलाटी मार, गुड जॉब। और ये बात मैं अभी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि अगर कल्कि के मेकर्स वो फील, वो इमोशनल कनेक्ट और वो विजुअल स्पेक्टिकल को अचीव कर पाए, तो मैं बता रहा हूँ दैट कल्कि गॉट एवरी पोटेंशियल टू ब्रेक ईच एंड एवरी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड देयर इज राइट नाउ। अब देखो, जब हम एक साईफाई फिल्म की बात करते हैं, तो वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टोरी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो है VFX, क्योंकि VFX कैन ब्रेक और मेक द फिल्म, जिसकी प्राइम एग्जांपल है आदिपुरुष। लेकिन कल्कि का केस कम्प्लीटली ऑपोजिट लग रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी ग्लिम्स देखने को मिले उन सब में VFX बहुत अच्छा लग रहा है, वो प्रॉपर मेहनत और विजन दोनों बखूबी तरीके से दिख रहे हैं उसमें। VFX में डेप्थ है, बैकड्रॉप से अच्छे तरीके से मोल्डेड है, जिससे पता चलता है कि नाग अश्विन एंड टीम इस मूवी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे। और यही फायदा होता है जब आप कोरियोग्राफर्स को नहीं बल्कि एक्चुअल डायरेक्टर्स को चांस देते हैं, जिनके क्रिएटिव माइंडसेट से इंडियन सिनेमा को नए नए नगीने मिलते हैं। सिर्फ इस मूवी के लिए नाग अश्विन की टीम और टाटा मोटर्स ने मिलकर नई टाइप ऑफ कार बनाई, जिसको आप इस मूवी में भी देखोगे बुज्जी के नाम से। और जितना टाइम इस प्रोजेक्ट को लेकर नाग अश्विन और उनकी टीम ले रही है, आई थिंक एंड आई विश कि सब कुछ ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हुआ होगा। अब देखो, कुछ टाइम पहले तक तो कल्कि मूवी से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आ रही थी, ऑडियंस लिटरली कंफ्यूज थी कि आखिर इस मूवी के साथ चल क्या रहा है। लेकिन उसके बाद जितनी अनकन्वेंशनल येट इम्प्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस मूवी ने अपनाई है, ये हमने इंडियन सिनेमा में बहुत कम देखा है। मार्केटिंग स्निपेट्स को देखकर पता चलता है कि नाग अश्विन इज प्लानिंग टू हिट अ होम रन विद दिस वन। द इंट्रोडक्शन ऑफ अश्वत्थामा, द रिवील ऑफ बुज्जी और उसका वो पूरा इवेंट अपने आप में एक हिस्टेरिया था। और अब तो न्यूज ये आ रही है कि मेकर्स बुज्जी का इंडिया टूर करवा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने इलॉन मस्क को भी इनवाइट किया है। और अगर वो आते हैं तो ये एक इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी रूम क्रिएट करेगा। और लोहा गरम रहते ही हथौड़ा मारा है कल्कि के इस एनिमेटेड प्रिल्यूड ने, जो आपको मूवी देखने से पहले ही उस वर्ल्ड से फेमिलियर करवाता है, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो ऑफ व्हाट एग्जैक्टली टू एक्सपेक्ट।
अब देखो प्रभास अपने डार्लिंग हैं और इस वक्त इंडिया के इफ नॉट द बिगेस्ट ही इज इंडीड वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स वी गॉट इन इंडियन सिनेमा, जिनकी सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल की पुल है। कोई माने या ना माने लेकिन बाहुबली ने प्रभास को स्टारडम की उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है जहां लोग अपने लाइफ टाइम करियर में नहीं पहुंच पाते। और इतने बड़े कैलिबर के स्टार को अपनी मूवी के साथ एफिलिएटेड करना ऑलरेडी आपकी मूवीज को सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आईबॉल्स कैप्चर करवा देता है। अब आपकी मर्जी है कि आप सालार जैसा मास बनाओ या आदि पुरुष जैसा कबाड़। और प्रभास का करियर भी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है, जहां इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म और इंडिया की सबसे ज्यादा धुतकारे जाने वाली फिल्म दोनों ही उनके नाम पर है। लेकिन जो चीज मुझे प्रभास की सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो ये कि वो एक्सपेरिमेंट करने से कभी पीछे नहीं हटते, वरना अगर प्रभास की जगह कोई और एक्टर होता तो वो एक की बात एक डट देने के बाद इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में शायद सोचता भी नहीं। एंड कल्कि 2898 AD इज द परफेक्ट फिल्म विच कैन ब्रिंग प्रभास टू हिज फुल ग्लोरी। और जितने भी मार्केटिंग स्निपेट्स देखे हैं उससे पता चल रहा है कि प्रभास भी इस प्रोजेक्ट में फुल इंटरेस्ट ले रहे हैं रादर देन जस्ट स्लीप वॉकिंग थ्रू द फिल्म। अब कल्कि 2898 AD का सबसे फैसिनेटिंग USP है इट्स फ्यूजन ऑफ साईफाई एंड हिंदू माइथोलॉजी। अब जैसा कि हमें पता है कि दिस मूवी ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द 10th अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु द कल्कि अवतार, और इस मूवी की स्टोरी ही रिवॉल्व करने वाली है अराउंड द बैटल ऑफ कल्कि एंड कली। एंड दैट रिच माइथोलॉजी इन्फ्यूज्ड विद एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड chaos इज व्हाट फैसिनेट्स मी द मोस्ट अबाउट दिस फिल्म, क्योंकि कल्कि इस माइथोलॉजिकल नैरेटिव को रीइमेजिन करती है दैट टू इन अ डिस्टोपियन वर्ल्ड वेयर इवल इज रेनिंग सुप्रीम और लोग बद से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसका अंदाजा आपको इस कल्कि के एनिमेटेड प्रीलूड से लग जाता है जहां लोग फ्रेश एयर को भी पैसे देकर खरीद रहे हैं और लोगों को पाइनएप्पल जैसा कॉमन फ्रूट देखे हुए जमाना गुजर चुका है। और फिर जब आप इस ब्लेंड ऑफ एशियन प्रोफेसी और फ्यूचरिस्टिक स्टोरी टेलिंग के बारे में सोचते हैं तो इट क्रिएट्स अ कंपेलिंग नैरेटिव जिसका साईफाई वाला पार्ट इंटरनेशनल ऑडियंस को अपील कर सकता है और माइथोलॉजी वाला पार्ट इंडियन ऑडियंस को। एंड इट विल ऑल्सो शोकेस the rich Indian inheritance on a global level in a great manner. So, by look, with less than 30 days left in the release of Kalki 2898 AD, it's one of the biggest release out of Indian cinema. और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा excited हूँ। एक unique concept, उसके ऊपर से एक visionary director और एक ensemble cast जिसमें प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन एंड कमल हसन जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हो, तो it's enough to make anyone excited for this project. And I wish कि सब कुछ ठीक तरीके से जाए और हमें इंडियन सिनेमा की तरफ से एक प्रॉपर sci-fi dystopian movie देखने को मिले। और जिस हॉलीवुड कैलिबर की बात हम करते हैं और बार बार कंपटीशन भी ड्रॉ करते हैं, ये एक स्टेप हो सकता है इनटू मीटिंग दोज लेवल्स। और कल्कि में वो पूरी पोटेंशियल है कि ये इंडियन सिनेमा की रिप्रेजेंटेशन ऐसे करे ऑन द ग्लोबल स्टेज लाइक वी हैव नेवर सीन बिफोर। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मुझे जरूर बताना कि तुम कितने एक्साइटेड हो कल्कि 2898 AD के बारे में और तुम्हारा क्या सोचना है, क्या ये मूवी इंडियन सिनेमा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी या नहीं, अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। Hasta la vista, baby.